गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मैं घर पर काफी बोर हो रहा था तो सोचा कहीं घूमने निकल जाऊं, इसीलिए आज मैं यहां से सीधा अम्यूजियम पार्क जाने वाला हूं, जहां जाने के बारे में सोचकर ही मेरे को काफी मजा आ रहा है। सोचो वहां पहुंचने के बाद मेरे को कितना ज्यादा मजा आएगा। अरे वाह, हम तो पहुंच गए, यहां पर तो मेरे को काफी ज्यादा लोग मिलने वाले हैं। चलो कार को यहीं रोककर टिकट खरीद लेते हैं। गाइस आप देख रहे हो ये जगह कितनी शानदार लग रही है, शायद मेरे को सामने जाकर काउंटर से टिकट लेना होगा, लेकिन यहाँ पर तो टिकट काटने वाला है ही नहीं, शायद वो आगे की तरफ होगा। चलो बिना परमिशन के अंदर चलते हैं। गाइस इस स्टैचू को देख रहे हो, मानो जैसे जिंदा हो जाएगा। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। चलो बिना टिकट के ही अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी पार्क में एक भी इंसान नहीं दिख रहा। पर एक बात तो मानना होगा, यहाँ पर झूले काफी शानदार है। अबे ओए, साले ने मेरे को डरा दिया, मेरे को लगा ये कोई दानव है। पर मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर सर्कस लिखा, वो जरूर इस तरफ होगा। देखो मैंने खोज लिया, क्यों ना सबसे पहले यहाँ पर चले, क्योंकि यहाँ पर हमको जोकर मिलेंगे, उनको देखकर मजा आ जाएगा। शायद ये भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को ऊपर की तरफ एक इंसान नजर आ रहा है। अबे ओए ओए ओए, वो तो नीचे गिर गया, बस मरना गया हो। ओ माय गॉड, ये बेचारा तो गिरकर मर गया, पर आखिर इसने अपने आप को ऊपर से गिराकर क्यों मार डाला। अभी यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मेरे को कहीं और जाना चाहिए। पर गाइस सामने देखो, मेरे को पिंजरे में लोग नजर आ रहे हैं। ये सभी तो यहाँ पर काम करने वाले जोकर है, लेकिन इन सभी को पकड़कर पिंजरे के अंदर कौन डाल दिया। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जरूर पार्क में कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरे को यहाँ पर संभल कर रहना होगा, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। देखो सामने कोई बतख है, लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रही है। ओ माय गॉड, ये तो मेरी तरफ ही आने लग गई। ओ भाई साहब, ये तो मिक्की माउस वाला डोनाल्ड डक निकला। हेलो सर, क्या हाल है? अबे तू बोल कैसे रहा है? मैं बात कर सकता हूँ। पर मेरे से क्या चाहता है? आपसे दोस्ती करना। लेकिन मेरे को नहीं करना यार, ये तो पीछे ही पड़ गया, लगता है दोस्ती करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, देखो कैसे पीछे पीछे आ रहा है। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर सबसे बड़े रोला कोस्टर की राइड करने जाए। यार ये तो मेरे से भी पहले पहुंच गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई जादुई बतख तो नहीं? पर ये बाइक यहाँ पर कर क्या रही है? शायद हमको इस पर ना बैठ कर इस बाइक पर सवार होकर राइड करना है। Here we go! इस पर बाइक चलाने में तो काफी मजा आ रहा है। अबे नहीं ना यार, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, शायद हमारी बाइक फंस गई। कमोन 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 कमोन, ओ माय गॉड, हम तो चलने लग गए। अबे नहीं ना यार, मेरे को कूदना पड़ा क्योंकि हमारा ट्रेक अचानक से खत्म हो गया। मैंने रोलर कोस्टर पर जाकर गलती की, लेकिन ये क्या डोनाल्ड डक को क्या हो गया? गाइस मैंने अनजाने में डोनाल्ड डक को जान से मार डाला। अब मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मारा गया। अब मेरे को यहाँ अकेले एंजॉय करना होगा क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। ओ माय गॉड, ये इतनी बड़ी बतख कहाँ से आ गई? पता नहीं अकेले कहाँ जा रही है। क्यों ना मैं इसको मार डालूं, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रही है। अरे वाह, यहाँ तो और भी बतख है, अब मैं तीनों को खा जाऊंगा। पर उसके लिए पहले मेरे को इनको मारना होगा। यार ये तो डर कर भागने लग गए। ओहो, चलो पास में जाकर देखते हैं आखिर ये कर क्या रहे थे। यार ये जगह तो मेरे को कब्रिस्तान लग रही है, लेकिन ये मरे हुए डोनाल्ड डक को यहाँ पर उठाकर क्यों ले आए? मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से दूर चला जाऊं, क्योंकि वो बतख उस डोनाल्ड डक को वापस जिंदा करने वाली थी। ओ भाई साहब, ये अचानक से कहाँ से आ गया और इसके अंदर पावर कहाँ से आ गई? अबे साले मेरे को उठाकर कहाँ ले जा रहा है? तेरी की बैंड बज गई, शायद वो मरा हुआ डोनाल्ड डक वापस ये जिंदा होकर शैतान बनकर यहाँ पर आ गया। इसने तो मेरे को वापस उठा लिया। गाइस मेरे को भागना होगा और कोई छुपने की जगह खोजना होगा, सामने झोपड़ी में जाकर छिप जाता हूँ। अबे नहीं ना यार, ये डोनाल्ड डक कहाँ से आ गया? शायद उस शैतान के परिवार वाले होंगे। रुको इनकी बैंड बजाता हूँ। अबे एक और आ गया, लेकिन ये भी नहीं बचने वाला। मैं सभी को तब तक मारता रहूंगा जब तक ये सभी मर ना जाए। चलो अब बाहर चलते हैं। देखो यहाँ पर मेरे को वो शैतान डोनाल्ड डक नहीं दिख रहा। अरे वाह, यहाँ तो ट्रेन है, मैं इस पर बैठकर फरार हो जाता हूँ। यार वो तो काफी तेज भाग रही है, मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। धत तेरी की, वो तो दूर चली गई, ये अभी भी मेरे को खोज रहा है। पर शायद उसको मेरे बारे में नहीं पता, बस वो एक बार यहाँ से चला जाए, लगता है वो चला गया। ओ माय गॉड, इसने तो मेरे को खोज लिया। अब मैं क्या करूं? पर ये शांत क्यों खड़ा है और मेरे पर हमला क्यों नहीं कर रहा? ये तो यहाँ से जाने लग गया। देखो सामने से कोई आ रहा है, मेरे को तो डोनाल्ड डक की गर्लफ्रेंड लग रही है। ये दोनों तो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए।
अरे बाप रे, ये शैतान डोनाल्ड डक नॉर्मल डोनाल्ड डक में बदल गया। पर ये दोनों नाचने क्यों लग गए, कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, क्योंकि उनका ध्यान मेरे पर नहीं है। गाइस आखिरकार मैं बच गया। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया।